नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेनबी स्टूडेंट टेक यूट्यूब चैनल में। आज इस यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो जोड़ी जा रही है, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके द्वारा किए गए वरासत की स्थिति कैसे जांचें। यानी आप वरासत करवा दिए, अब उसकी स्थिति जानने के लिए आप क्या करें कि आपको ये पता चल जाए कि क्या हो रहा है आपके वरासत पर। तो इसको जानने के लिए आप बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें क्या आदेश पारित किया गया, ये भी जानकारी मिलेगी। तो आइए सीधे चलते हैं हम उस पेज पर जहाँ से इसकी स्थिति जानेंगे। तो आ जाते हैं हम सीधे क्रोम पर, और क्रोम पर या आपके पास जो भी हो उसके माध्यम से। तो क्रोम पर आ गए, क्रोम पर आकर के लिखिए आप, जैसा कि नीचे लिखा देख पा रहे होंगे bor.up.nic.in। इसको लिखने के बाद आपके साथ एक होम पेज खुल करके आ जाएगा। उस होम पेज पर जाएंगे, जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ। अब ए और नीचे थोड़ा जाएंगे, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इसमें नीचे जाने के बाद आपके सामने एक बगल में लिख करके, कॉर्नर पर लिख करके आएगा वरासत की स्थिति जांचें। आप खुल करके आ गए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही नीचे करेंगे तो सबसे पहले आप राजस्व कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली पर चले जाएं। वहाँ पर जा करके आप करें क्लिक। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ जाने के बाद उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उस पेज पर लिखा होगा कि वरासत की स्थिति कैसे जांचें। अब मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, वरासत की स्थिति जाने आपके यहाँ बगल में है, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा ध्यान से। वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जांचें, इस पर करिए क्लिक। मैं थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ, स्थिति जांचें, वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने, इस पर आप करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलकर आएगा, मैं जैसे कि क्लिक कर दिया हूँ। अब ये जो आ रहा है, ऑनलाइन आवेदन संख्या से खोजें, और नीचे लिखा ऑनलाइन आवेदन संख्या। तो इस पर आपको भर देना है। अब इस खाली बॉक्स में जिस पर टिक किया हूँ, इसमें मैं एक आवेदन संख्या भर देता हूँ। आपके पास भी जो भी आवेदन संख्या होगा, उस आवेदन संख्या को इसमें ज़रूर भर दीजिएगा। और भरने के बाद में गो पर क्लिक कर दीजिएगा। गो पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने एक नया पेज खुलने लगेगा, और उस पेज पर आपके पूरा ये जो आवेदन संख्या है ये आ जाएगा, और आवेदन संख्या में किस तारीख को आवेदन की तिथि थी वो आ जाएगा, गाँव का नाम आ जाएगा, आवेदक का नाम आ जाएगा, और मृतक खातेदार का नाम आ जाएगा, और किस दिन खातेदार की मृत्यु हुई वो तिथि लिख के आ जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और बगल में बने ऑनलाइन आवेदन संख्या पर जो ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस पर क्या आदेश हुआ, क्या पारित हुआ आदेश, वो आपके सामने एक पेज खुल कर आ जाएगा। और अगर आप लेखपाल हैं और ये रखना चाहते हैं कि आदेश की कॉपी रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए मैं सीधे आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप आदेश की स्थिति जानेंगे और कैसे उसको डाउनलोड करके रखेंगे। तो ये खुल गया आपको भीरवा की खतौनी, जिसमें आदेश हुआ कि आवेदक का नाम राम शंकर है और उनके पिता का नाम राम सुभग। उसका पता भी मिल जाएगा आपको कि कहाँ के रहने वाले हैं। और क्या आदेश हुआ, आवेदन की स्थिति, देखिए यहाँ लिखा आवेदन की स्थिति, और यहाँ लिखा आवेदन पर राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश पारित किया गया। यानी ये अगर विवादित होता तो यहाँ लिखा जाता कि आवेदन पर राजस्व निरीक्षक द्वारा विवादित की स्थिति पारित की गई। तो ये स्थिति सहमत की है, अब आप देख पा रहे होंगे सब सहमत है। अब यहाँ लिखे नीचे देख रहे होंगे आदेश देखे पर क्लिक करके आप अगर चाहें तो इसका आदेश भी देख सकते हैं। जैसा कि मैं क्लिक किया उस पर, अब एक नया पेज खुल करके आ जाएगा मेरे सामने। देखिए, अब प्रिंट करना चाहें तो ऊपर बगल में प्रिंट का बना हुआ प्रिंट कर सकते हैं। राजस्व संहिता की धारा 33(2) के अंतर्गत वरासत की स्थिति, अब इसमें ये लिखा जनपद संत कबीर नगर तहसील खलीलाबाद के राजस्व ग्राम भिरवा, राजस्व ग्राम कोड भी लिखा है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि
वारिसान की जांच के संबंध में दिनांक 8/2/2021 भिरवा को राजस्व ग्राम कोड की फसली वर्ष की खतौनी, ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा है, आदेश लिखा है, और इसमें कौन कौन वारिस हैं ये लिखा है, और लास्ट में सबसे नीचे लिखा अंक तालिका एक में अंकित अराजियों पर खातेदार की मृत्यु राम सुबह खारिज करते हुए उनके स्थान पर तालिका दो के अनुसार उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस तरह से आप भी अपनी ये स्थिति जान सकते हैं वरासत की, और क्या हुआ उसमें ये भी लिखा हुआ जान सकते हैं, और अगर आप लेखपाल हैं तो इसका एक प्रिंट भी निकाल कर रख सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसकी जानकारी सबको मिल सके।